Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss syllabus of BSc first year physics. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बात करेंगे हम फिजिक्स के सिलेबस के बारे में जो विद्यापीठ के कोर्स में चलता है फर्स्ट ईयर में. तो ये जो सिलेबस है वो विद्यापीठ के लिए है. MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का सिलेबस. तो फिजिक्स का जो सिलेबस है वो तीन पेपर में चलता है. यहाँ पे जो पहला पेपर है पेपर फर्स्ट वो है आपका मैकेनिक्स एंड वेव मोशन. ये आपका आता है 50 मार्क्स का. उसी तरीके से जो दूसरा पेपर है वो होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स. और ये पेपर भी आता है 50 मार्क्स का. ठीक है. और एक थर्ड पेपर होता है तीसरा पेपर वो होता है एलिमेंट्री पार्ट ऑफ बेसिक या बेसिक इलेक्ट्रिसिटी. ये है, ये भी 50 मार्क्स का ही होता है. तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पेपर की. यहाँ पे मैकेनिक्स और वेव मोशन जो हम 11th में पढ़ते हैं ज़्यादातर चीज़ें वो इसमें समाहित होंगी. तो ये भी जो पेपर फिजिक्स पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री है ये सारे पेपर में चार यूनिट होते हैं. जैसे कि मैथमेटिक्स में होता है उसी तरह फिजिक्स में भी चार यूनिट होते हैं. और इसमें क्या है मैकेनिक्स में हमारा यूनिट वन से लेके यूनिट थर्ड तक और वेव मोशन यूनिट फोर सिर्फ यूनिट फोर होता है वेव मोशन में. और इसमें काफ़ी चीज़ें इंटर से रिलेटेड है. तो आप शुरू से सारी चीज़ें मैकेनिक्स की पढ़ सकते हैं जो 11th में पढ़े हैं, चाहे वो केपलर्स लॉ हो, चाहे न्यूटन्स लॉ हो, चाहे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, चाहे जितनी ग्रेविटेशन वगैरह सारी चीज़ें केपलर्स लॉ या फिर आगे आपका वो उनका जो ग्रहों वाला नियम था वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं. मैकेनिक्स में आपने पढ़ रखा है प्रोग्रेसिव वेव या स्टेशनरी वेव्स वगैरह. और तो इसको प्रगामी तरंगे बोलते हैं या इसको अप्रगामी तरंगे जो लोग हिंदी मीडियम में हैं, या फिर विस्पंद निस्पंद नोड्स और एंटी नोड्स. ये सारी चीज़ें इंटर में थी वो यहाँ भी मिलेंगी. तो ये सब आप पहले से तैयार रख सकते हैं. एंटी नोड्स ये सारा कुछ मिलेगा, थोड़ा कुछ मॉडिफाइड हो सकता है. यूनिट फर्स्ट से थर्ड में पूरी मैकेनिक्स है. और मार्क्स की बात अगर हम करें तो ये करीब 30 मार्क्स को कवर करता है और ये लगभग 20 मार्क्स अकेले कवर करता है वेव मोशन. ये यूनिट थोड़ी बड़ी है लेकिन फिर भी इससे तो छोटी ही है और ये 20 मार्क्स कवर करता है. तो इस पेपर का ये स्कोरिंग पार्ट है. मैकेनिक्स तो हमेशा से इजी लगता है जो पहला पेपर होता है 11th में हम शुरू में पढ़ते हैं. और ये मैकेनिक्स की चीज़ें न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन वगैरह हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं नाइन्थ से ही. तो कुछ चीज़ें पढ़ी हुई लगेंगी. उसके बाद यहाँ थोड़ा कुछ नई चीज़ें भी आएंगी जैसे सेंट्रल फोर्स होगा. फिर इसमें आएगा सेंटर ऑफ मास, तो पहले से पढ़े हैं. कंजर्वेशन लॉज है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और रोटेशन, ये सारी चीज़ें. कोलिजन आएगा इसमें, कोलिजन या संघट हिंदी में बोलते हैं कोलिजन. ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगे फर्स्ट यूनिट में. एंड देन रोटेशन, जो रोटेशनल इनर्सिया वगैरह है, इनर्सिया निकालना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो सारी इनर्सिया वगैरह आता है सेकंड यूनिट में. उसके
सेकेंड यूनिट में। तो एक तरह से आपको एलेवेंथ की पूरी मैकेनिक्स रिविज़न कर लेनी है। एक उसमें थर्ड वाले में केपलर्स वगैरह आते हैं, केपलर्स लॉ और उनसे रिलेटेड जो भी उपग्रह गतियों वाला जो सारा मामला था वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट वगैरह, स्केप वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें वन से थर्ड में हम पढ़ेंगे, यानी मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो ज़रूरी है कि सारी चीज़ें रिविज़न करके रखिए पहले से ही, तो ये काफ़ी बहुत आसान लगेगा ये पेपर। हालांकि रिविज़न होना चाहिए और इंटर वाकई में पढ़ा होना चाहिए, क्या वाकई में उसको पढ़े हैं, पूरा सीखे हैं। तो यूनिट फोर में ये चीज़ें हैं जो पहले से पढ़ा हुआ है और उसी तरीके से यहाँ पे मैकेनिक्स में है। और इसमें तीन पेपर इस तरीके से हैं और एक 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, टोटल 200 नंबर का। ठीक है, अब हम दूसरे पेपर की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दूसरा पेपर है हमारा काइनेटिक थ्योरी एंड गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये भी कुछ सुना सुना लग रहा होगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आता है आपका आइडियल गैस इक्वेशन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर वाला जो लॉ होता है वो, और सारी चीज़ें जो आइडियल गैस से रिलेटेड है, बॉयल्स लॉ, आइडियल गैस के बॉयल्स लॉ, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो आप बेसिक चीज़ें जो हैं वो सारे लॉ पढ़े रहिए, जो गैसेस के लॉज हैं, गैस के लॉज हैं वो सारा रिविज़न होना चाहिए। तो ये दो यूनिट हैं, यूनिट फर्स्ट और सेकेंड हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होते हैं। तो लगभग ये 20-25 मार्क्स कवर करेगा, या लगभग 20-25 और ये 25 से लेके 30 मार्क्स लगभग कवर करता है थर्मोडायनेमिक्स। और ये दो यूनिट होता है, यूनिट थर्ड और प्लस यूनिट फोर, दो यूनिट का थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें यूनिट थर्ड थोड़ी बड़ी यूनिट है। और ये यूनिट फोर में हम पढ़ते हैं रेडिएशन वगैरह, रेडिएशन जो काफ़ी छोटी यूनिट है, लेकिन फिर भी यहाँ 10-15 नंबर कवर करता है रेडिएशन, ये काफ़ी छोटी यूनिट है। उसके बावजूद जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, विंस लॉ, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, ये सारी चीज़ें इसके तहत आएंगी। यूनिट थर्ड में थर्मोडायनेमिक्स वाला सेक्शन है। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है इंटर में ऊष्मागतिकी का नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, ये सब आएगा, एंट्रोपी वगैरह। तो जो पढ़े हैं इंटर में उनको देख के आएंगे तो समझ में आएगा, बीएससी में जल्दी जल्दी उसको कोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं। काइनेटिक थ्योरी में हमने जिक्र कर ही लिया है क्या है सारा, उसी तरीके से पेपर थर्ड है एक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो एक यूनिट हम यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ एक यूनिट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर सेकेंड से लेकर फोर्थ तीन यूनिट है। तो यहाँ पे लगभग ये कवर करता है 15 से 20 मार्क्स तक, और ये है आपका 30 मार्क्स लगभग। ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपका करंट वगैरह या फ्लो जो बेसिक जानते हैं वो ज़्यादा तो यहाँ यूज होगा नहीं, नए नए थ्योरम्स यहाँ मिलेंगे। नॉर्टन थ्योरम, एंडरसन ब्रिज या मैक्सवेल ब्रिज पढ़ा हुआ है, LCR सर्किट भी पढ़े हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। LR सर्किट, LCR सर्किट, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, LR या LCR, ये सब रिविज़न करके रख सकते हैं। तो ये यूनिट जिस हिसाब से छोटी है उस हिसाब से यहाँ काफ़ी नंबर है। और यहाँ से फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन जो शुरू होता है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर, जानते हैं ऐसा मेटल जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का कंडक्टिविटी रखता है, उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हमारी इसी मेटल्स के ऊपर है जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो इनके पर इस टॉपिक से यहाँ तीन यूनिट है। तो शुरू में हम पहले NPPN डायोड से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटर से रिलेटेड होगा, इंटर में काफ़ी चीज़ें यहाँ पढ़ चुके हैं, PNP ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, उसका वर्किंग वगैरह, डायोड, रेक्टिफायर, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, ये सारी चीज़ें लगभग इंटर में हैं।